नमस्कार। लहसुन की खेती में काफी समस्याएं आती हैं, लेकिन एक मोटी समस्या आई है कि जड़ संबंधित रोग जो कि फंगस से होते हैं वो काफी आते हैं और इनको कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। लेकिन एक काम जो शुरुआत में हर एक किसान को करना चाहिए, ज्यादातर लोग जानकारी के अभाव में इसको करते नहीं है और सस्ता है थोड़ा, इसलिए इसको थोड़ा हल्के में भी लेते हैं। प्लीज, जब आपने लहसुन लगा दिया है, सूखे में लहसुन लगा दिया है और उसके बाद में ये पानी लगा रहे हो, तो उससे पहले आप ट्राइकोडर्मा अपने खेत में आवश्यक रूप से डालें, आवश्यक। और कैसे डालें? 3 से 5 किलो ट्राइकोडर्मा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लेके, मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, उसको आपको सड़ी खाद या वर्मी कंपोस्ट में मिक्स करके 2-5-7 दिन के लिए रख देना था और उसके बाद में अब इस टाइम डालना था। यदि आप नहीं रख पाए हैं उसको मिक्स करके पहले, तो अभी भी जो ट्राइकोडर्मा है उसको गोबर की खाद के अंदर या वर्मी कंपोस्ट के अंदर मिक्स करके, वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद दोनों भी नहीं बन पड़ रही है तो रेत के अंदर मिक्स करके उसको खेत के अंदर फेंक दें और ये पानी चला दें। ये ट्राइकोडर्मा एक फफूंद है जो जैविक तरीके से रोग पैदा करने वाले फंगस को खत्म करता है। इसके अलावा यदि आप हाथ से चुपाई कर रहे हो लहसुन की, तो आपको ये जो रसायन आपका, या तो आप ले रहे होंगे एवरगोल ले रहे होंगे, जलोरा ले हो रहे होंगे, कोई कैस्कर ले रहा होगा, कोई इलेक्ट्रोल ले रहा होगा, इनकी बजाय यदि आप हाथ से लगा रहे हो तो बहुत अच्छे से ट्राइकोडर्मा ही का पाउडर ही उसमें लगा दें। जनरली किसी भी फसल में 10 ग्राम प्रति किलो बीज के आसपास हम ट्राइकोडर्मा लेते हैं। लहसुन की चुकी बड़ी कली होती है, तो इसमें यदि आप ज़्यादा भी ले लोगे तो वो भी अच्छा है। ट्राइकोडर्मा की बहुत अच्छी कोटिंग करके लहसुन के ऊपर पाउडर लग जाएगा ट्राइकोडर्मा। हल्का थोड़ी नमी दे देना लहसुन को, यदि नहीं उस पर लग रहा है तो, यदि हाथ से लगा रहे हो, और यदि ट्राइकोडर्मा ठीक से लग गया है, ट्राइकोडर्मा ठीक है, ऑथेंटिक जगह से लिया है, तो मैं समझता हूँ इन रसायनों से ज़्यादा बेहतर परिणाम हो सकते हैं। आपका ये सस्ते टाइप जो ट्राइकोडर्मा है इसके, आपके रसायनों की मुकाबले पाउडर फॉर्म में है ये, इसलिए वैसे यदि शिड्रिल से या लहसुन बोनिंग मशीन से लगा रहे हो तो निकलने में दिक्कत आ सकती है, तब आप अपने जो लिक्विड वाले केमिकल इन पे जा सकते हो। लेकिन भूमि उपचार आपको आवश्यक रूप से ट्राइकोडर्मा से करना चाहिए। मैं इस बात की गारंटी नहीं दे रहा कि यदि आपने ट्राइकोडर्मा से भूमि उपचारित कर दिया तो आपके फफूंद जनित रोग आएंगे नहीं, लेकिन हमारे पास चूंकि लहसुन की महंगी खेती है, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है और जब मार्केट ठीक रहता है तो प्रॉफिट भी ज्यादा है, तो इसमें ये बहुत बड़ा मैं इन्वेस्टमेंट भी नहीं करवा रहा आपसे, तो इसलिए ट्राइकोडर्मा वाला खर्चा करने में आप ना झिझकें। करने के लिए हमारे पास फफूंद जनित रोगों के लिए यही, अभी के लिए यही तरीका है और ये जैविक है शायद, इसलिए गारंटी कोई नहीं दे सकता। लेब में आप देखेंगे ट्राइकोडर्मा के रिजल्ट आते हैं, अब प्रॉपर उसकी आपको फंगस, दूसरी फंगस को दबाती हुई दिखती है। फील्ड कंडीशन में बहुत सी अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, कहीं हो सकता है ये परफॉर्म ना भी करे, किस कंडीशन है आपकी जमीन की, हमारी जमीन की क्या कंडीशन है, पर करने के लिए हमारे पास यही है, आवश्यक रूप से करें ट्राइकोडर्मा अपने नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र आज, या फिर आपके जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उनसे लें। नहीं मिल रहा है तो फिर आप प्राइवेट के ऊपर जा सकते हैं, पर हो सके तो आपके लोकल एरिया का ट्राइकोडर्मा आप लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। नमस्कार, जय हिंद।